तो दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस तो आज की टू मिनट सीरीज में जो कि एक हमारा इनिशिएटिव है आपकी प्री बेस प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने का बाय द मीन ऑफ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड टॉपिक्स तो पॉलिटी के सेगमेंट में हम बात करेंगे डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में तो डीलिमिटेशन क्या होती है इंडियन पॉलिटी के कंटेक्स में बात करें तो एक एक्ट है ऑफ रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ द लोकसभा एंड असेंबली सीट्स टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन द पॉपुलेशन अगर किसी एरिया में किसी प्रकार का पॉपुलेशन चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर एरियाज़ तो वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहे इसलिए आपकी डिलिमिटेशन की प्रोसेस कैरी आउट की जाती है और इस प्रोसेस में जो आपकी नंबर ऑफ सीट एलोकेटेड होती हैं किसी भी स्टेट को पार्लियामेंट में वो भी यहां पर चेंज हो सकती है तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जा सके फॉर द इक्वल पॉपुलेशन सेगमेंट और एक फेय जन हो ऑफ द जोग्राफिकल एरियाज़ ताकि कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को किसी भी प्रकार का एडवांटेज ना मिले और ये जो पूरी प्रोसेस है आपकी डीलिमिटेशन की असाइन होती है टू द हायर पावर बॉडी जिसे हम कमीशन के नाम से जानते हैं या फिर बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जानते हैं तो इंडिया के कंटेक्ट में बात करें तो जो आपकी डीलिमिटेशन कमीशन है इसकी स्थापना चार बार हुई है जब भी इसकी प्रोसेस पूरी हो जाती है फिर आपकी डिजॉल्व कर दी जाती है फिर दोबारा से किसी एक्ट के आधार पर इसकी स्थापना फिर से की जाती है तो नाइनटीन में सबसे पहले हुई थी आपकी डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट ऑफ नाइनटीन टू के आधार पर, पर हुई थी थ्री

जो आपके कोई सर्विंग या फिर रिटायर्ड जज हों सुप्रीम कोर्ट के जो कि एज अ चेयरपर्सन एक्ट करेंगे और बाकी के जो दो मेंबर्स होंगे जो कि आपके एक्स ऑफिशियल तो उसमें से पहले आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और दूसरे होंगे आपके स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ठीक है जी तो ये तो रही बेसिक सी बात कॉम्पोजिशन की अब इसमें खास बात जो आपको पता होनी जरूरी है कि किसी भी प्रकार की डिलिमिटेशन नहीं हुई थी आफ्टर द एंड क्यों नहीं हुई थी हालांकि जब सेंसेस हुआ है कुछ पॉपुलेशन में शिफ्ट आया होगा तो वो इंपॉर्टेंट था उससे वहां पर डिलिमिटेशन की प्रोसेस की जा सके बट ये एक प्रोविजन रखा गया था या माना गया था दैट द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन अ स्टेट एंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट इज फार एज प्रैक्टिकेबल द सेम फॉर ऑल द स्टेट्स ऑल ये भी रखा गया था कि कुछ स्टेट्स ने काफ़ी कम इंटरेस्ट लिया पॉपुलेशन कंट्रोल में तो उन्हें ज़्यादा सीट्स मिल जाएंगी अगर डिलिमिटेशन कमीशन आपकी दोबारा स्थापित की जाए और डिलिमिटेशन की प्रोसेस दोबारा कैरी आउट की जाए और जो कुछ सर्दर्न स्टेट्स थे जहाँ पर फैमिली प्लानिंग की प्रमोशन हुई और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आए तो कहीं उन्हें कम सीट्स ना मिले तो इसीलिए आपका ये 1981 और 1991 में किसी प्रकार की डीलिमिटेशन नहीं हुई थी और इन्हीं कंसर्न्स के चलते कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था इन 1976 ताकि डीलिमिटेशन को सस्पेंड किया जा सके अंटिल 2001 तो बात करें आपकी डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि आपकी हाई पावर बॉडी है अब जो इनके ऑर्डर्स होते हैं इनकी ऑर्डर्स में एक फोर्स ऑफ द लॉ की पावर रहती है और इन्हें कहीं पे भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में भी नहीं ठीक है जी और जो भी ऑर्डर्स होते हैं ये आपके लागू कर दिए जाते हैं ऑन द डेट टू बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इन दिस बिहाफ और जो कॉपीज होती हैं इनके ऑर्डर्स की वो आपके हाउसेस ऑफ द पीपल एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रख दी जाती है जो भी कंसर्न जहां पे जिस प्रकार की चेंजेस होने हैं और किसी भी प्रकार की मॉडिफिकेशन परमिशिबल नहीं है इन ऑर्डर्स में तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके मेन्ज आंसर राइटिंग में भी काफी हेल्प करेगा ठीक है जी साथ के साथ एक और अमेंडमेंट हुई थी जिसके आधार पर जो नंबर ऑफ सीट्स थी वो फ्रीज कर दी गई थी अंटिल 2026 थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स बाय वेन द कंट्री वॉज प्रोजेक्टेड टू अचीव अ यूनिफॉर्म पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ठीक है जी तो बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है फिर बात करें जो आपकी लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई थी जो कि आपकी बिटवीन जुलाई टू थाउजेंड टू एंड मार्च थर्टी फर्स्ट टू थाउजेंड एट में हुई थी बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ टू थाउजेंड वन तो उसमें सिर्फ थोड़ी बहुत री हुई थी ऑफ़ द बाउंड्रीज ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा एज वेल एज द असेंबली सीट्स और जो आपकी नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स थी उस पर भी दोबारा काम हुआ था अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके कुछ स्टेट्स थे जिसमें आपकी ये डिलिमिटेशन जो 2002 से 2008 के पीरियड के बीच में हुई है ये नहीं हुई थी कौन कौन से थे अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर एंड नागालैंड तो इसमें काफी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो कि गुवाहाटी हाई कोर्ट में गए अगेंस्ट द अगेंस्ट दिस 2002 थाउजेंड टू 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 थाउजेंड एक्सरसाइज जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था कि 2001 के सेंसस को यूज़ ना किया जाए फॉर द रेफरेंस तो इसी से रिलेटेड असम से आपकी ऑल पार्टी डेलीगेशन आपके जो होम मिनिस्टर थे उस दौरान शिवराज पाटिल जी उनसे मिले थे और उनको कहा था कि इस डीलिमिटेशन कमी जो कि ये प्रोसेस है जो कि डीलिमिटेशन की इसे अभी नहीं किया जाए इन स्टेट्स में बिकॉज द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स काफी इंपॉर्टेंट है ये उस दौरान अपडेट नहीं हुआ था और इसी के आधार पर डिलिमिटेशन में का जो एक्ट था उसे दोबारा अमेंड किया गया था 2008 में और फेबर 8 2008 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के आधार पर इन चार स्टेट्स में डिलिमिटेशन आपकी नहीं हुई थी ठीक है जी तो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जाता है अब वापस आते हैं 2020 पर तो फेबर कर दिया कैंसिलिंग द फेबर एट टू थाउजेंड एट जिसके बारे में हम भी बात की तो एक फ्रेश ऑर्डर इशू किया गया बाय द लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो कि आपका लॉ मिनिस्ट्री के अंडर आता है जिसके आधार पर यह कहा गया था कि जो सरकम थे दो दो से जो 2008 के बीच में डिलिमिटेशन होनी थी और जो नहीं हुई थी इन चार स्टेट्स में तो जो वो सरकम थे बेसिकली दे हैव सीज टू एग्जिस्ट और जो आपका डीलिमिटेशन है ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसिस एज इनविसे अंडर द डिलिमिटेशन एक्ट ऑफ 2002 उन्हें अब दोबारा से कैरी आउट किया जा सकता है ठीक है जी साथ के साथ आपकी काफ़ी इंसर्जेंसी के जो इंसिडेंट्स हैं अब वो भी कम हो गए हैं उन एरियाज में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो ये जो पूरी प्रोसेस रहेगी डीलिमिटेशन की वो भी आपकी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी तो इसलिए इसे दोबारा से इशू कर दिया गया था आपके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ द्वारा साथ के साथ जो लॉ मिनिस्ट्री थी उन्होंने मार्च 6 को 2020 में एक और नोटिफिकेशन निकाली थी जिसके आधार पर डीलिमिटेशन कमीशन आपका दोबारा से स्थापित किया गया था इन चार स्टेट्स के लिए साथ के साथ जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी विच वॉज लेफ्ट आउट इन टू थाउजेंड टू 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 थाउजेंड एट तो जो आपका डिलिमिटेशन कमीशन है फॉर जम्मू कश्मीर जिसके बारे में आजकल काफ़ी चर्चा भी चल रही है आप देखिए क्या वहाँ पर डिबेट्स हो रही हैं तो इसकी स्थापना की गई थी केंद्रीय सरकार द्वारा टू रीड्रॉ लोकसभा एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंस ऑफ द यूनियन टेरेटरी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एक्ट ऑफ टू थाउजेंड नाइनटीन जिसके आधार पर जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरेटरीज में बांट दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर और एक आपकी लद्दाख तो यहां पर अब आपकी डिलिमिटेशन की प्रोसेस होनी है ठीक है जी एक आपकी लिस्ट बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज थे जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई तो वो अभी चेयरपर्सन है और जो आपके इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्रा वो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं इस पैनल में तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड इस टॉपिक को डिस्कस करने का हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी आपके डिबेट चल रही है जम्मू एंड कश्मीर के डीलिमिटेशन से रिलेटेड तो थोड़ा आपको रिवीजन हो जाए कि आपका डीलिमिटेशन कमीशन क्या है तो कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि जो इनके ऑर्डर्स हैं वो कहीं पर भी चैलेंज नहीं किए जा सकते और 2002 से लेकर 2008 के दौरान कौन से ऐसे स्टेट थे जहाँ पर आपकी डिलिमिटेशन नहीं हुई थी तो ये आपको क्वेश्चंस के तौर पर पूछे जा सकते हैं सो आई होप आपको कुछ यहाँ पर नॉलेज गेन ज़रूरी हुई हो और इन चीज़ों को अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए वैसे भी ये सारी कंपाइलेशंस हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं आप वहाँ से भी उन्हें डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं ठीक है जी सो दैट विल बी ऑल ऑल द वेरी बेस्ट